और यह पूजा आपको फलित होने लगेगी। जैसे सोमवार को भी आपने सोम के समय उस होरा में पूजा की, मंगलवार को भी मंगल की होरा में पूजा की, बुध को भी बुध की होरा में, तो सारे वारों का शुभ आशीर्वाद शुभ ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है। यदि आप लोग अपने आप को इतना ही सिद्ध कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको हो सकता है किसी डॉक्टर साहब के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ भी कर्म प्रधान है, इस कर्म में अपने आप को बांधिए और फिर इस कर्म का अमृत रूपी चमत्कार देंगे, तुरंत आपको इसका फल प्राप्त हो जाएगा। किसी मंगल कामना के साथ में मैं अब अपनी वाणी को देखिए, संध्या अगर आप बोलेंगे तो दो समय की संधि को संध्या बोला है, जब सुबह और रात मिलते हैं, शाम को जब सायंकाल और दिन मिलते हैं, और मध्याह्न में जब सूर्य बिल्कुल मस्तिष्क के ऊपर होते हैं मध्याह्न का, इन तीन लोगों को तीन स्थान टाइम को संध्या बोला गया है, त्रिकाल संध्या की जाती है, वो संध्या अलग है। मैंने आप सामान्य गृहस्थों के लिए कि जो बहुत जल्दी नहीं उठ सकते हैं उनके लिए सीधा रामबाण उपाय बताया है, आज आप इसको कर लेंगे तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं, अपने आप में अंदर परिवर्तन प्राप्त करेंगे। मेरी आप सभी को पुनः शुभकामना, कोई भूल हो गई हो त्रुटि हो गई हो, सभी साधक जन सभी विद्वान जन हमें क्षमा करेंगे और आगे के लिए बस अपने धर्म में प्रवृत्त रहें, आपकी शंकाएं ईश्वर मिटाए, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ सबको प्रणाम करता हूँ। सभी को जय श्री गणेश, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, शायद हजारों रुपए देके भी ऐसे जवाब न मिल पाए कहीं पे। अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था एक जगह पे ऐसा ही सेशन था, 1500 रुपये फीस की बात है, मेरे को पास दिया गया, मैं फ्री में गया था, लेकिन वहाँ से फीस 1500 रुपये थी। आचार्य जी ने इतनी कृपा करके हम सबको बिल्कुल मुफ्त पे आप सबके लिए इतने अच्छे उपदेश दिए, और खास करके जो अंतिम उपदेश है मेरे ख्याल में सब लोग हम फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और नीचे प्रसाद की व्यवस्था भी बहुत सात्विक है और आचार्य जी की तरफ से ही है, तो सब लोग प्रसाद जरूर लेके जाएं। और आचार्य जी को ये भी पता है कि हम तो कुछ दे नहीं पाते हैं, लेते ही हैं इनसे हमेशा, ये हमारा नियम है सिद्धि नवीन सभा का, आचार्य जी से लेना ही लेना है, हम नहीं कुछ नहीं पाते हैं। फिर भी मैं सुनील जी से कहूँगा कि एक टोकन मात्र संतवराम जी का ये वस्त्र है हम आपको प्रदान करते हैं कि हमेशा ढके रहे, जैसे बोलते हैं सिद्धि में चंद ढके और रख जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिन किसी के अभी भी कोई प्रश्न हो आप जरूर हमें लिखित में भेजिए, हम दोबारा ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इस मंदिर की ऑफिस में आप राइटिंग में देके जाइए, जरूर देके जाइए,